हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ हो रही है हमारे बाथरूम की डीप क्लीनिंग। तो जैसे दिवाली फेस्टिवल आने वाला है तो सबके घर में क्लीनिंग चल रही होगी। तो यहाँ देखिए, मैं ना जाले वाले मार रही थी झाड़ू से ही, क्योंकि छोटे छोटे से ना दीवारों पर भी लग जाते हैं तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ देखिए, अब मैं टाइल्स वगैरह साफ़ करूँगी। तो उसके लिए मैंने हार्पिक ले लिया है और मैंने एक शैम्पू का पाउच लिया है। शैम्पू आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी हो आपके घर में। तो बस मैंने इसको इसमें दो मग्घा पानी इसमें डाल दिया है। अभी मैं ना इसे हाथ से सही कर लूँगी। इस तरह से देखिए झाग बन जाएंगे। तो अब करते हैं टाइल्स को। और पता है आप इस तरह, और मैंने ना इसमें AGB डाला था, शायद स्कीप हो गया है। तो ये तीनों चीज़ें जब आप ऐड करेंगे ना, तो आपकी टाइल्स कितनी भी गंदी क्यों ना हो, एकदम बहुत अच्छी चमचमा जाएंगी, बहुत अच्छी भी लगेंगी देखने में। और साफ़ सुथरी चीज़ किसको नहीं अच्छी लगती है। तो ये देखिए, मैं इसी तरह से ना टाइल्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। सारे टाइल्स को धो दिया है उसके बाद, और आप देख रहे हो टाइल्स का जो कलर है। वैसे तो मेरे घर में कोई भी चीज़ आपको ऐसी गंदी नहीं मिलेगी जिसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फेस्टिवल पे ऐसा होता है कि आप लोग ना बहुत अच्छी तरह हर चीज़ को क्लीन करते हैं। अपने घर की जो भी आपका सामान होता है, जो भी आपके रूम वगैरह बाथरूम वगैरह होते हैं, सबको अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये सिंक के केस के शिक के ऊपर भी ना थोड़ा सा गंदा था, और यहाँ ना बिंदियाँ लगी हुई थी मेरी बहुत सारी, तो मैं ऐसे छुड़ा छुड़ा के चिपका देती हूँ। मैंने उनको भी छुड़ा दिया। और यहाँ नीचे ना हमेशा क्या होता है कि हम जब भी कोई डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो ऊपर ऊपर से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो नीचे का एरिया होता है उसे क्लीन करना भूल जाते हैं, या मतलब दिखाई नहीं देता है तो ऐसे रह जाता है। लेकिन सिंक विंक के नीचे आप लोग देखेंगे ना ध्यान से, तो यहाँ ज़्यादा गंदा रहता है। तो बस मैंने यहाँ भी अच्छी तरह से पानी मार दिया है। और उसके बाद ना यहाँ पे देखिए, मैंने एक टोकरी लगा रखी है जिसमें मैं थोड़ा छोटा मोटा सामान रखती हूँ अपने यूजफुल जो भी सामान है। तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से देखिए साफ़ कर लिया था इस बोर्ड से, और ये काफ़ी अच्छी तरह से चमक गया था। आ जाती है सिंक को साफ़ करने की। तो सिंक को तो मैं हार्पिक से ही साफ़ कर लेती हूँ, और बहुत से लोग बोलते हैं कि हार्पिक नहीं डालना चाहिए, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छे से चमक जाता है। और मेरा सिंक बहुत जल्दी साफ़ इसलिए हो गया था क्योंकि मैं इसे हफ्ते में एक दो बार साफ़ करती रहती हूँ। और उसके बाद टॉयलेट को भी मैं हार्पिक डाल के ही साफ़ करती हूँ, बहुत अच्छी तरह से चमक जाता है। और उसके बाद ना मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी, जिससे और ज़्यादा जो भी इसमें जैसी गंदगी होगी ना, जो छूट नहीं रही होगी, वैसे तो हार्पिक से हो जाता है, लेकिन इसकी जो महक होती है ना वो अच्छी आती है, और बहुत ही जैसे एक कपड़ा चमक जाता है ना, ऐसी ये चीज़ें अच्छी चमक जाएँ, अच्छी हों तो अच्छा भी लगता है देखने में भी। तो घर में ही होता है आजकल सबके शौचालय, तो इन चीज़ों को स्वच्छ साफ़ सुथरा रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो बस ये भी क्लीन मैंने कर लिया है, और इसको ना मैं बंद कर दूंगी अच्छी तरह से।
ये सब कुछ क्लीन हो गया था, तो उसके बाद मैंने फ़र्श की टाइल्स को भी अच्छी तरह से साफ़ किया है। और बहुत गर्मी हो गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है जब आप कोई भी मेहनत का ऐसा कोई काम करते हो ना, तो ये बाथरूम की टाइल्स ना ऐसा लगता है ना जैसे वुडन टाइल्स होती है ना इस तरह से हो, लेकिन ये ऐसी है, मतलब अच्छा भी लगता है देखने में। तो ये मेरा फ़र्श भी एकदम चमक गया है। अब मैं इसे पानी डाल डाल के धो दूँगी, उसके बाद मैं इसमें वाइपर मार दूँगी, एकदम सूख गया है, चमक जाएगा अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए सारा बाथरूम क्लीन हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। तो आप इसी तरह अगर दिवाली की क्लीनिंग कर रहे हैं ना, तो बहुत ही इजी तरीके से ऐसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। और जो लोग बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं ना कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इतना मत जोर दिया करिए, कि आपके घर में भी माँ बहन होती हैं, ठीक है, समझ गए होंगे वो मेरी बात को। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल दोस्तों, अपना ध्यान रखना साहब, बाय।